नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आप कितने बड़े तीसमार खान हो, चाहे आप कितने भी रईस हो, या फिर आपके आसपास कितने ज़्यादा हेल्पर्स हों, आपके आसपास कितने ज़्यादा आपके लिए काम करने वाले लोग हों, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा खुद से करना, बहुत ज़रूरी चीज़, सब्जियाँ सब्जी मंडी से जाकर खुद से लेकर आना। ये जितनी भी ऐप्स चल रही हैं ना कि ऑनलाइन ऑर्डर वाली, क्लिक करा और घर पे सब्जी आ गई, क्लिक करा घर पे प्याज आ गया, टमाटर आ गया, गोभी आ गई, एक बारी संडे के लिए अपने घर के लिए टाइम निकालो, अपने घर का राशन और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जियां, फ्रूट खुद जाके मंडी से लेकर आओ। दिन में कभी भी, कसम से कह रही हूँ, इतनी संतुष्टि मिलती है और उस सब्जियों को देखकर आपके अंदर फीलिंग आती है, यार अभी तक हम जो खा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो ईटिंग हैबिट है, वो बहुत ही पुअर है, बड़ी गंदी है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा जंक खाते हो, मैदा खाते हो, आपको मोमोज देख के फीलिंग आ जाती है कि ओहो जन्नत, या फिर आपको नूडल्स देख के फीलिंग आ जाती है वाओ ये सब तो लाइफ है हमारी, सब्जियाँ देख के आपको फीलिंग आएंगी कितनी खराब लाइफ स्टाइल है आपकी। जब आप सब्जियां देखोगे आपको फीलिंग आएगी कि नहीं, हमें ये सब खाना है, अपनी डाइट में इंक्लूड करना है ताकि हम हेल्दी रहें, फिट रहें, अपने आप को बीमारियों से बचाएं, अपनी स्किन पे ग्लो लाएं बहुत अच्छा अच्छा सा, और हम बिल्कुल फिट रहें, हमारे घर वाले बिल्कुल फिट रहें और हम आगे बिल्कुल मजबूती से चलें। आपका शरीर ठीक है तब जाके आपका करियर ठीक बनेगा, बट अगर आपके शरीर ठीक नहीं है, आप अपने शरीर की प्रॉब्लम से पड़े रहोगे, आपका करियर आगे कैसे बनेगा, आप आगे कैसे बढ़ोगे, आपका करियर कैसे सेटल होगा, आप कैसे अपने शौक पूरे करोगे, कैसे बड़े बड़े ड्रीम्स देखोगे और किस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे, स्पेशली योर पेरेंट्स। बड़े होते हैं हम, बड़े होते हैं हमारे पेरेंट्स छोटे बच्चे बन जाते हैं, मेरी मम्मी इस समय बहुत छोटी बच्ची बनी हुई है, सो मेरी मामी भी, सो उनको संभालने के लिए आपका संभलना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे संभलोगे, हेल्दी होकर, फिट होकर, है ना। सो गंदी लाइफस्टाइल को नहीं ऑप्ट करेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करेंगे। कमेंट करके सब मुझे बताएंगे कौन कौन आज सब्जी मंडी गया है इस वीडियो को देखने के बाद, और कौन कौन क्या क्या सब्जियां लेकर आया है। बैक करते हैं हम वीडियो के टॉपिक पे। आज की वीडियो का टॉपिक में मैं लेके आई हूँ लंच की रेसिपीज, 7 टॉप रेसिपीज फॉर वेट लॉस। एंड ट्रस्ट मी, मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आने वाली हूँ, मेरी आकांक्षा का वेट लॉस का डाइट प्लान लेके आ रही हूँ, बट उसके लिए मुझे लंच की रेसिपीज की सीरीज डालनी बहुत ज़रूरी थी। नेक्स्ट ट्यूजडे को मैं लेके आऊँगी आकांक्षा का पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का डाइट आप लोगों के लिए, ताकि जिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ से अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएँ। एंड मैं ये भी सोच रही हूँ कि आप लोग अपना डेली का वेट अपडेट किसको दोगे, तो कुछ ना कुछ एक जगह मैं बनाने की सोच रही हूँ जहाँ पे आप लोग अपना डेली का वेट अपडेट डाल सको। सो यस, ये थी चीज़ें। आज हम बात करते हैं 7 वेट लॉस लंच की रेसिपीज। जितनी पापा की परियां बैठी हैं, जितनी भी नाजुक कच्ची कलियां बैठी हैं कि किचन में जा नहीं सकते, सब्जी काट नहीं सकते, बना नहीं सकते, उबाल नहीं सकते, कुकर की सीटी लगा नहीं सकते, वो इस वीडियो को छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिर्फ वो लोग हैं जो कुकिंग करना जानते हैं, जिनको खाना बनाने का शौक है, खाना बना सकते हैं, और जल्दी खाना बनाने का जिनको आदत है। बाहर की जनरल लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि मैं लोगों को देखती हूँ, भैया कुछ ईजी बता दें, कुछ कुकिंग लेस बता दे, खाना ना बनाना पड़े, किचन में ना जाना पड़े, तो भैया ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। हम बात करते हैं, हमें इस तरीके की लंच की रेसिपीज़ अपनी डाइट में ऐड करनी है जो कि प्रोटीन रिच हो, फाइबर रिच हो, एंड जिससे टमी भी फुलफिल रहे और आपको ऐसी फीलिंग भी ना आए कि आप डाइट पे हो, और उसके साथ साथ आपका वेट लॉस अमेजिंग होता चला जाए एंड वो ईजी हो कैरी करने में। एक रेसिपी इसमें इस तरीके की है जिसमें आपको, अगर कोल्ड कफ कंजेशन है, मेरा ड्राई फ्रूट का शीरा, या फिर आप खीर बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग है, बट अगर आपको कोल्ड कफ कंजेशन हुआ पड़ा है, आपको बिल्कुल यू नो खांसी जुकाम बुखार है, आपका कुछ खाने का मन नहीं, आप उसको ट्राई करना एंड 2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये रेसिपीज बहुत ही सिंपल है, कैरी करने वाली है, प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, इसमें किसी भी तरीके की मेरे को लगता कमी नहीं है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये फिलिंग है, आपको फुल करेगी एंड आपका वेट लॉस जो होती है वो अमेजिंग अमेजिंग। अगर आप कोई भी जनरल डाइट कर रहे हो, आप अपनी डाइट को मिक्स एंड मैच करके कीजिए ताकि आपको वेराइटीज़ ऑफ फूड मिल पाए, आप एक तरीके की डाइट लेकर आप उससे बोर ना हो जाओ और वेराइटी के फूड्स खा खा के आप अपने आप को आगे लेके चलो। सो हम चलते हैं किचन में, बनाते हैं हमारी टॉप 7 रेसिपीज रिलेटेड टू लंच, और जल्दी जल्दी आ जाओ आप किचन में, आप जल्दी जल्दी बनाएंगे जी, चलो ओके चलो। फर्स्ट रेसिपी है ब्रिंजल रोल, उसके लिए यहाँ पे मेरे पास पैन है, पैन के अंदर मैंने डाल दिया हल्का सा तेल। नेक्स्ट, जैसे ही मेरा तेल गर्म होगा, इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी पनीर। सो ये जो पनीर है मेरे पास, हल्का सा पनीर है, इसको अब हम अच्छे से Thank you.
नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, और अब हम कर देंगे गैस को बंद। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, नेक्स्ट पिंच ऑफ हिंग पाउडर, नेक्स्ट थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया पाउडर, और इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। परफेक्ट। तो ये हमारी जो फिलिंग है ब्रिंजल रोल की बिल्कुल रेडी है। मेरे पास है ये ब्रिंजल, अब इसको अब हम कट करेंगे। बहुत ही यमी है रेसिपी। नेक्स्ट इसकी ना मुझे स्मॉल स्मॉल स्लाइस बनानी है। मेक श्योर आपका जो ब्रिंजल हो वो आप थोड़ा सा बड़ा सा लेना, इतना बड़े मुझे इसके स्लाइसेस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कट इट फ्रॉम हेयर, दैट्स इट। नेक्स्ट मेरे पास है मेरा नॉनस्टिक तवा, ये हल्का सा मैं इस पर ऑयल लगा दूंगी, एंड ये जितने भी मेरे स्लाइसेस हैं ब्रिंजल के, इसको हम सेकना चालू कर देंगे। तेज आंच पे बढ़िया से हल्का सा एक एक दो बूंद ऑयल में यहाँ पे भी डाल दूंगी। यस, इसको खूब अच्छे से हमने पकाना है, कुक करना है, और ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कुक होने के बाद। सिंपल हमें इसे कुक करना है, ग्रिल करना है। ओके जी, सो ये अब हमारे बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं, इन शॉर्ट पक चुके हैं, बहुत सॉफ्ट भी हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से। और इसको पकने में ऑलमोस्ट लगा है 5 मिनट, समझिए हाँ 5 मिनट लगा। 5 मिनट में ये बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैंने गैस कर दिया बंद, अब हम बनाएंगे इनके रोल। ये रहा मेरा ब्रिंजल, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पनीर और प्याज की फिलिंग। हल्का सा मैं यहाँ पे छिड़कूंगी मेरा नमक, कि नमक कम ना हो जाए, वैसे कम ही ठीक रहेगा। इसको खूब अच्छे से हम ऐसे रोल कर देंगे, और ये हमारा वन रोल रेडी। नेक्स्ट सेम ये रहा मेरा ब्रिंजल, वैसे नमक उसमें मैंने पनीर में डाला था, सो अब मैं ब्रिंजल में नमक नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगी मेरी पनीर की स्टफिंग, एंड ये हम इसको अच्छे से कर दिया जी रोल गरम गरम। और ये रहा मेरा सेकेंड रोल। ये खाने में इतने यमी होते हैं, इतने यमी होते हैं, इसको अगर आप अपने मेहमानों के आगे भी रखोगे तब भी वो 10 बार पूछेंगे क्या रेसिपी है। ये हमारा बन गया नेक्स्ट, एंड ये हो गया हमारा रेडी। सो ये रहे हमारे ब्रिंजल रोल, एंड ये बिल्कुल रेडी है। एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही यमी है, एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये बहुत फिलिंग भी है। ठीक जी, नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं काले चने एंड नारियल की सलाद। ये मैंने ले लिया है ऑयल, वैसे मेरा ऑयल थोड़ा बहुत गर्म होता है। इसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ जो डालेंगे वो हम डालेंगे यहाँ पर जीरा। जीरा अच्छे से जीरे को हम भुनने देते हैं। जैसे ही मेरा जीरा भुन जाएगा, ये रहे मेरे उबले हुए काले चने, तो हम इसमें डाल देंगे। पर पर्सन के लिए इतना बहुत है, एंड आई गेस ये एक मुट्ठी जितना बॉईल किया हुआ ब्लैक चना है। हम इसको मिक्स कर देते हैं। ओके, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत ही हल्का सा। नेक्स्ट ये रहा मेरा कद्दूकस किया हुआ नारियल, गैस को हम कर देंगे बंद, और अब हम इसमें हमारा 1 चम्मच जितना नारियल मिक्स करेंगे।
और बहुत ही यम्मी सैलेड है। अगर क्रेविंग हो रही है चीट करने की तो इस सैलेड के बाद क्रेविंग खत्म, प्रॉमिस। चलिए जी, जो सैलेड है बिल्कुल रेडी है। यम्मी, खुशबू बहुत अच्छी। गरम गरम सैलेड एंड इट्स रेडी। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं हमारा आलू और वेजीज चाट। ये रहा मेरा ग्रिलर, इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेरे आलू। बहुत ही अच्छा सोर्स है कार्ब का। जिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है वो ये सैलेड ज़रूर खाएंगे। थोड़ी सी मेरी ब्रोकली अच्छे से गर्म पानी से धोकर मैंने इसे टिश्यू पेपर से साफ करके यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। थोड़ी सी मेरी ब्रॉकली हो गई यहाँ पर, साइड कर देते थे इसको, थोड़ा साइड हो जाओ आप। नेक्स्ट थोड़ी सी मेरी कैरेट। नेक्स्ट मेरे प्याज। इन सबके ऊपर मैं हल्का सा तेल और डाल रही हूँ। इनको सबको अच्छे से हम ग्रिल करेंगे। और ये रही हमारी सैलेड, काफ़ी हद तक ग्रिल हो चुकी है तो अब हम इसको सर्व करते हैं। ये रही हमारी सैलेड। ओके, आप चाहो तो इसके ऊपर हरी चटनी डाल सकते हो, मैं इस पे लेमन डालूंगी। अगर हम डालेंगे थोड़ी सी नमक। नेक्स्ट मैं डालूंगी यहाँ पर लेमन जूस। एंड सबको खूब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे एंड द सैलेड इज रेडी। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं हमारा मेथी मटर का सैलेड। यहाँ पे मेरा तेल जो है गर्म हो चुका है। ये रहा मेरे प्याज, डाल दिए हमने। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं हम। आई हैव दिस मेथी, ये धुलकर साफ की हुई मेथी अच्छे से। ये एक कटोरी जितनी मैंने मेथी डाल दी है इसमें। नो डाउट ये बिल्कुल अभी के अभी जो ना छोटी सी एकदम सुकट सी जाएगी बिल्कुल, बट इट्स ओके। बस हमें एक कटोरी ही मेथी चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है मटर, सीजन में है, प्लीज़ इसको ऐड करेंगे। अब हम इसे पकने देंगे, बट उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि मेथी हमारी अच्छे से पक जाए। पिंच ऑफ सॉल्ट। हम इसे पकने देंगे ढककर कम से कम 5 मिनट तक। ओके जी, लेट्स सी। हाँ, ये अब बिल्कुल रेडी है। गैस कर देते हैं बंद, इसको हम सर्व करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा लेमन। अगर आपको नींबू से प्रॉब्लम है, एलर्जी है, आप बिल्कुल इसको अवॉइड करो नींबू को। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे एंड द सैलेड इज एब्सोल्युटली गुड टू गो। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग विद लॉट्स ऑफ वेजीज। जो भी सब्जी आपके घर पे हो, बट यहाँ पे मैं कुछ ही डाल रही हूँ। ये मेरा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। सबसे पहले डालेंगे प्याज। इसको हम गरम कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है वेजीज, ब्रोकली एंड कैरेट, सीजन की सब्जी है। आप मटर भी ऐड कर सकते हो, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। नेक्स्ट मेरे पास बॉईल किया हुआ एंड ब्लेंड किया हुआ सरसों का साग है। ये मैंने 2 गुच्छी सरसों का साग बॉईल करके ब्लेंड करा है
पानी पियो बच्चे। और ये हमने इसमें डाल दिया, खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा नमक, बस गैस कर देंगे बंद। बिल्कुल रेडी है ये, बेस्ट इज। इसमें आप लेमन डाल के भी ऐड करके खा सकते हो, बट ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत ही यम है। यहाँ पे हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट शीरा। ये रेसिपी तब काम आएगी जब आपको खांसी जुकाम बुखार, नोज बिल्कुल ब्लॉक्ड बंद, कुछ खाने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं, उस समय हम ये रेसिपी लेंगे। ये डाल दिया मैंने 1 कटोरी मखाना, 2 चम्मच इतना नारियल, 4 हमारे ड्राई डेट्स, बहुत सही है सर्दियों के लिए, 5 से 10 बादाम। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच जितना पानी। बढ़िया, अब हम इन सबको करेंगे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड। ओके, शीरा बनाने के लिए यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पानी लिया मैंने, 1 करछे जितना, ताकि हमारा जो शीरा है बहुत गाढ़ा ना हो। ये पानी बॉईल हो गया है, ये मैंने डाल दिया इधर 1 कप मिल्क। नेक्स्ट ये रहा मेरा ब्लेंड की हुई सामग्री, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है इस समय बाहर, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से बीमार पड़ रहे हैं। इसके अंदर हम किसी भी टाइप का कुछ मीठा नहीं डालेंगे, हमारे जो डेट्स थे वो पहले ही बहुत मीठे हैं। हमारी संजना जो है ये सौंफ और इलायची का पाउडर बना के रखती है, ये मैंने डाल दिया पिंच यहाँ पर। टफी को नारियल की खुशबू आ गई है तो वो अब कुकिंग और शूट नहीं करने देगा आगे, बट कोई बात नहीं, हम फिर भी करेंगे। खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये आप देखो तो बॉइल्ड होने लगे हैं हमारा शीरा। इसको अब हम बंद कर देंगे गैस को, टक बंद, और अब ये बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू है टू बी ऑनेस्ट। और अब हम इसे सर्व करते हैं। जिन जिन लोगों को खांसी जुकाम बुखार हुआ है, मस्ट ट्राई, एब्सोल्युटली रेडी। यू कैन कॉल इट अ खीर, आई कॉल इट एज अ शीरा, एंड दिस इज रियली यम एंड गुड, स्पेशली इन दिस विंटर। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं एग फ्राई। एग फ्राई के लिए ये मेरा पैन जो है गरम हो रहा है, इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल जब तक ये मेरा तेल गरम होगा। नेक्स्ट सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज, इसके अंदर मैं डाल दूं मेरे टमाटर, जब भी कभी बोर हो रहे हो, कुछ अच्छा चटर पटर खाने का मन कर रहा हो तो हम ये रेसिपी खाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट, हिंग पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, खूब अच्छे से प्याज टमाटर को अब हम पकने देंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो ये तो बन गया हमारा प्याज टमाटर का बढ़िया सा मिक्सचर। अब हम बनाते हैं एग फ्राई। ओके, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, दैट्स इट। ओके जी, अब इसके अंदर हम डाल दें हमारा 2 अंडे विद योक। ये क्या जी मेरा 1 अंडा, ये क्या मेरा 1 और 1। तो हम इसको सिम बिल्कुल सिम आँच पर अच्छे से पकने देंगे। इसको कर देंगे हम कवर ताकि ये बढ़िया से अच्छे से पक जाए सिम पर। ओके, अब देखते हैं जी इसको बिल्कुल रेडी। मुझे इसे हाफ कुक ही करना है, ज़्यादा मुझे इसको कुक करना भी नहीं है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम डाल देंगे हमारी प्याज टमाटर। ओके जी, सो ये रही हमारी प्लेट, एग फ्राई हाफ, प्याज टमाटर एंड द सैलेड, लंच रेडी। वेलकम बैक जी। सो ये रेसिपीज है मेरी, इसको ट्राई करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कौन कौन सी रेसिपीज किस किस को कितनी अच्छी लगी। एंड मैं मिलूंगी आपसे ट्यूसडे को अपनी आकांक्षा के वेट लॉस के डाइट प्लान के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर जी, बाय बाय, आई लव यू ऑल।